சத்யபாமா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சென்னை. दिल्ली सरकार ने आज यानी 10 जून 2021 को कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं रद्द हैं। चलिए सुनते हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री का इस पर क्या कहना है। आज हमने एक शिक्षा विभाग के साथ में पूरी एडमिशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर रिव्यू किया और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि केजी से लेकर पहली दूसरी या छठी सातवीं आठवीं तक के बच्चों को तो जो पास किया गया वो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत पहले ही उनके बारे में रिजल्ट डिक्लेयर किए जा चुके हैं कि वो अगले क्लास में प्रमोट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन बच्चों के लिए और उन बच्चों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी जो नवीं और ग्यारहवीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में तो निर्णय ले लिए गए, दसवीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, बारहवीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी, इस पर काफी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज नवीं और ग्यारहवीं की परीक्षा के बारे में, नवीं और ग्यारहवीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको। पहला तो यह है कि नवीं और ग्यारहवीं की जो परीक्षाएं थीं जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो नवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिनमें केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही अपना 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें jagranjosh.com।